22 जुलाई को लॉन्च की गई चंद्रयान 2 में से लैंडर और रोवर को चांद पर उतरना था और ऑर्बिटर को चांद की परिक्रमा करके जानकारी जुटानी थी। 7 सितंबर को चांद की सतह को छूने से ठीक पहले करीब 2.1 किलोमीटर ऊपर इसरो के रडार सिस्टम से लैंडर गायब हो गया और अब तक उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है। हालांकि ऑर्बिटर चांद की सतह से 100 किलोमीटर ऊपर परिक्रमा कर रहा है। इसमें हाई रेजोल्यूशन कैमरा है जो चांद की सतह पर 0.3 मीटर तक की इमेजेस कैप्चर कर रहा है। चांद पर मौजूद विक्रम लैंडर से अब तक संपर्क नहीं हो पाया, पर ऑर्बिटर अपने मिशन में जुटे हुए हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि इंडिया के दूसरे मून मिशन का ये ऑर्बिटर चांद के हमेशा अंधेरे में रहने वाले यानी उस एरिया की तस्वीर भेजेगा जहां सूरज दिखा या नहीं, और आखिर दिखा भी तो वो किस हाल में था? वो इसरो के साथ संपर्क क्यों नहीं कर रहा? अचानक इसरो ने ऐसे ट्वीट्स क्यों किए? अब ऐसे सवाल उठना तो बिल्कुल ही नॉर्मल है, और इसरो ने इस रहस्य से पर्दा उठाने की वजह इसे और भी गहरे रहस्य की ओर धकेल दिया। हालांकि ये भी संभव है कि इसरो जल्दी ही तस्वीर जारी करके इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। दरअसल लैंडर ने चांद पर हार्ड लैंडिंग की थी और अब कनेक्शन स्थापित करने की सारी कोशिशें टूट चुकी है। शायद आपको पता होगा कि लैंडर को चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अंदर बंद रोवर का जीवन काल एक मून डे यानी धरती के 14 दिनों के बराबर है, और अब साइंटिस्ट विक्रम से कांटेक्ट कर पाने की सारी उम्मीदें खो चुका है। फिर भी इसरो 20 से 21 सितंबर तक संपर्क स्थापित करने की पूरी कोशिश जारी रखेगा, लेकिन इस मून मिशन को पूरी तरह से फेल नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑर्बिटर चांद की सरफेस मैपिंग करेगा और वहां पर सोडियम, कैल्शियम, टाइटेनियम और आयरन के अस्तित्व का पता लगाएगा और साथ ही मून के एटमॉस्फेयर की स्टडी करेगा। चंद्रयान 2 के बाद अब इसरो और डीआरडीओ मिलकर गगनयान पर काम करेगा। इस मिशन में इसरो पहली बार अंतरिक्ष में इंसानों को भेजेगा। ये मिशन 2022 तक कम्प्लीट हो सकता है, लेकिन जो भी हो इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को 90% कम्प्लीट माना जा रहा है क्योंकि हमारा ऑर्बिटर अच्छे से काम कर रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या इसरो इस बचे कुछ समय के अंदर विक्रम लैंडर से फिर से संपर्क कर पाएगा या नहीं? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसरो की इतनी अच्छी कोशिश के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ।
तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।